हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे टोटल 10 क्वेश्चंस जीके के 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। आप कितने का सही आंसर दे पाते हो और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहला नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पहली बार एक साथ कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 2 खिलाड़ी, ऑप्शन 2 है 3 खिलाड़ी, ऑप्शन 3 है 4 खिलाड़ी, ऑप्शन 4 है 5 खिलाड़ी। इसका उत्तर है 5 खिलाड़ी। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इस बार अलग अलग 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ी और कोच को सम्मानित किया गया, जबकि वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में 74 की बजाय 60 खिलाड़ी और कोच ही शामिल हुए हैं। नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी की सूची आप जाकर के देख सकते हो, नेट पे आप सर्च करके देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एथलेटिक्स कोच का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए है धर्मेंद्र तिवारी, ऑप्शन 2 है रमेश पठनी, ऑप्शन 3 है ओम प्रकाश दहिया, ऑप्शन 4 है पुरुषोत्तम राय। इसका उत्तर है दोस्तों पुरुषोत्तम राय। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का हाल ही में 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया था, इसके बाद ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। प्रश्न नंबर 3, कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर, ऑप्शन 2 तीसरे स्थान पर, ऑप्शन 3 चौथे स्थान पर, ऑप्शन 4 है पांचवें स्थान पर। इसका उत्तर है तीसरे। कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में पहले तीसरे नंबर पर मैक्सिको था, जहां पर 62,594 लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं और भारत में मरने वालों की संख्या जो है 62,635 हो गई है और इस मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक पैंथर जैसी फिल्मों में बतौर लीड अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है 40 वर्ष, ऑप्शन 2 43 वर्ष, ऑप्शन 3 52 वर्ष, ऑप्शन 4 63 वर्ष। इसका उत्तर है 43 वर्ष। ब्लैक पैंथर जैसी फिल्मों में बतौर लीड अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे करीब 4 वर्ष से कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने मार्शल डा 5 ब्लड्स और मा रेनीज ब्लैक बॉटम जैसी फिल्मों में काम किया था। प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की इमारतों का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए लाल बहादुर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 2 लाला लाजपत राय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 4 है दिल्ली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के झांसी में स्थित यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड के प्रमुख संस्थानों में शामिल रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की इमारतों का
उद्घाटन किया। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पहला एकेडमिक सेशन जो है 2014 से 15 में जो है शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ऑप्शन ए है इरफान खान, ऑप्शन 2 सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन 3 ऋषि कपूर, ऑप्शन 4 है वाजिद खान। तो चारों के चारों जो ऑप्शन है दोस्तों, चारों के चारों जो है अभिनेता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसका उत्तर है सुशांत सिंह राजपूत। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी अवार्ड्स की जो डेट है वो अभी घोषित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण पर नुकसान के मामले में NTPC, IOC, BPCL सहित अन्य सरकारी कंपनियों पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऑप्शन ए 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन 2 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन 3 300 करोड़ रुपए और ऑप्शन 4 है 400 करोड़ रुपए। तो इसका उत्तर है 400 करोड़ रुपए। पर्यावरण पर नुकसान के मामले में NTPC, IOC, BPCL सहित अन्य सरकारी कंपनियों पर 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले 5 वर्ष में पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत वसूलने के लिए इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के आंकड़ों में हुई हेरा फेरी की वजह से प्रकाशन पर रोक लगा दी। ऑप्शन 1 केंद्र सरकार ने, ऑप्शन 2 वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन 3 यूनेस्को और ऑप्शन 4 है नीति आयोग। इसका उत्तर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के आंकड़ों में हुई हेरा फेरी की वजह से प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अक्टूबर 2019 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 14 पायदान उछलकर 63वें पर आ गया था, जबकि पिछले 5 वर्षों में इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वह 79 पायदान का उसमें सुधार हुआ है। प्रश्न नंबर 9, 30 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ऑप्शन 4 है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस।